हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 64 फीट बाई 30 फीट के अगर आपके पास प्लॉट है तो आप किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, क्या चीज कहाँ कहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 64 फीट बाई 30 फीट का यहाँ पे एक प्लान है जिसपे मैंने यहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर डिजाइन किया और एक फर्स्ट फ्लोर डिजाइन किया है। तो देखते हैं किस तरीके से डिजाइनिंग की गई है। तो यहाँ पे है, सबसे पहले बात करें अगर ग्राउंड फ्लोर की, तो यहाँ पे मेन एंट्री है। ये एंट्री है, ये गेट, बड़े वाला गेट लगाया गया है फॉर कार वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ से हम नॉर्मल वॉकिंग के लिए हम यहाँ पे छोटा गेट रख सकते हैं। यहाँ पे एक फ्रंट यार्ड बनाया है 20 फीट बाई 20 फीट, 3 इंच बाई 8 फीट, 6 इंचेस का। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी स्पेस है, तो आप इसे काफी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन पोर्च बनाई गई है और जहां से स्टेयर्स को ऊपर की तरफ जाने के लिए बनाया गया है, और यहाँ से घर की जो मेन एंट्रेंस है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। क्लियर है? मेन एंट्रेंस करते ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, यहाँ पे आपका लिविंग एरिया आ जाता है। यहाँ पे हमने बनाया है LCD कैबिनेट। जो लिविंग एरिया है वो अराउंड 12 फीट 10 इंचेस बाई 15 फीट के आपका एरिया कवर करता है, और जो डाइनिंग एरिया वो 9 फीट बाई 15 फीट के एरिया यहाँ से कवर करता है। यहाँ पे किचन बनाई गई है जो 7 फीट 7 इंच 7.5 इंच बाई 12 फीट की आपकी किचन को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे किचन की विंडो बाहर की तरफ लगाई गई है, यहीं पे आप बेंच भी विंडोज किचन के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पे है फिर ड्रॉइंग रूम। आप देख पाएंगे ड्रॉइंग रूम 11 फीट 6 इंचेस बाई 14 फीट का ड्रॉइंग रूम बनाया गया है, जिसकी एंट्रेंस हमने बाहर से भी की है ताकि कोई भी गेस्ट अगर आता तो बाहर से बाहर ड्राइंग रूम में जाके आराम से बैठ सकता है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे आप इसे एज ए गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप इस चीज को यूज करते हो। यहाँ पे LCD कैबिनेट बनाया है। ठीक है, उसके बाद सामने पूजा रूम है जो 5 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस का यहाँ पे हमने पूजा रूम डिजाइन किया है। एक बेडरूम आपका यहाँ पे है, बेडरूम 2 और बेडरूम 1 यहाँ पे है, जो कि 10 फीट 7 इंच बाय 15 फीट का काफी बड़ा बेडरूम आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे LCD कैबिनेट है, और इस बेडरूम के लिए यहीं पे टॉयलेट बनाई गई है। टॉयलेट का रास्ता बाहर से भी दिया गया है एज ए कॉमन टॉयलेट यूज करने के लिए, और यहाँ से भी दिया गया है बेडरूम से ताकि आप अटैच टॉयलेट को यहाँ से भी यूज कर पाए। ठीक है, काफी स्पेस है, 6 फीट 7 इंच बाई 6 फीट का आपका ये टॉयलेट बनाया गया है। और ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे बनाया गया अराउंड 6 साढ़े 6 फीट बाई 8.5 फीट का आपका अराउंड ड्रेसिंग है यहाँ पे। उसके बाद अगर इस बेडरूम की बात करें तो ये 12 फीट 6 इंच बाई 15 फीट के अराउंड है, जो आपका मास्टर बेडरूम की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। इसी में एक अटैच स्टोर दिया गया है जो 5 फीट बाई 8 फीट 3 इंचेस है। इसी में हमने फिर एक टॉयलेट को अटैच किया है जो 7 फीट बाई 7 फीट एंड 4.5 इंचेस का आपका यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट को कंबाइन बनाया गया है। यहाँ पे रियर यार्ड बनाया गया है जो 21 फीट बाई अराउंड 10 फीट के अराउंड आपका स्पेस लेता है। यहाँ पे आप ग्रास वगैरह का कोई भी कर सकते हो, ओपन एरिया छोड़ सकते हो, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये तो हुआ ग्राउंड फ्लोर की बात। अगर हम अब इसमें 2 BHK है, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर की बात करूँ तो उसमें हमने 2 बेडरूम्स बनाए हैं ताकि खुला खुला सा सारा रहे, ओपन एरिया काफी रहे। तो ये है आपका यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे ये है आपका यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर। देखो फर्स्ट फ्लोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ओपन रखा है, बाहर का जो छज्जा निकलेगा, एक हमने बेडरूम बनाया है। यहाँ से स्टेयर ऊपर जा रही है ग्राउंड फ्लोर से, तो यहाँ से भी ऊपर ऐसे ही जाएंगी, बीच में शाफ्ट है आपकी, तो टेरिस पे जाने के लिए यहाँ से स्टेयर बनाई गई है। यहीं से सेम एंट्रेंस है जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हमने एक एंट्रेंस यहाँ पे दिया है जो आपका एक बेडरूम बना दिया गया। नीचे किचन था तो ऊपर हमने बेडरूम बनाया है। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान देने वाली होती है कि नीचे क्या है, उसके ऊपर हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें ही प्लानिंग में हमारा काफी हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमने इसके लिए ड्रेसिंग बनाया और एक टॉयलेट बनाया, तो एक बेडरूम आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। जैसे ग्राउंड फ्लोर में नीचे था लिविंग डाइनिंग, तो हमने यहाँ पे सेम रखा है। यहाँ पे हमने टॉयलेट बनाया है वो इस बेडरूम के लिए, और किचन को हमने यहाँ पे अरेंज किया है। क्लियर? उसके बाद एक बेडरूम सेम जैसे नीचे था वैसे ही हमने ऊपर बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया एक बेडरूम यहाँ पे। सेम स्टोर और सेम पूजा रूम को भी हमने फर्स्ट फ्लोर पे एज इट इज बनाया है। सेम टॉयलेट को भी हम ऊपर ऐसे ही लेके आए हैं, बट जो हमारा रियर यार्ड था पीछे वाला, यहाँ पे हमने बाउंड्री क्रिएट किया और ये हमने वेंट के लिए यहाँ पे ओपन छोड़ा ताकि यहाँ पे हम रेलिंग वगैरह लगा पाए और नीचे हम धूप वगैरह को अच्छे से वहां पे देख सकते हैं।
तो ये था आपका 64x30 feet का एक प्लान, तो काफी अच्छा है, आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपका सेम एरिया है तो वो भी आप कर सकते हो और इजिली आप इस चीज को बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें। जितना आप लाइक करेंगे वीडियो को उतना आपकी तरफ से मेरा सपोर्ट रहेगा, और जितना आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे सबसे बड़ा सपोर्ट आपका मेरे लिए आपका वो रहेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके के प्लान मैं आपके लिए लेके आता रहूं तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं इसी तरीके के आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है आप मेरे को बता सकते हैं, कितने बाई कितने का प्लान आपको चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपके लिए अपलोड कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच।